दोस्तों आप सामने देख रहे हैं सफरेला का प्लांट है। सफरेला का प्लांट यानी कि अम्ब्रेला का प्लांट। दोस्तों इसको ऑक्टोपस का प्लांट भी कहा जाता है। अगर हम इसके मूल क्षेत्र की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और हैनान है। अब जैसा कि इसको सफरेला या अम्ब्रेला प्लांट कहा जाता है, तो आपको मैं बता दूं कि अम्ब्रेला प्लांट इसलिए कहा जाता है कि अगर आप गौर से इसकी पत्तियों को देखेंगे तो इसकी पत्तियां जो एक ब्रांच में जो इसकी 6-6, 7-7, 8-8 पत्तियां हैं, तो वो पत्तियों का कुछ डिजाइन ऐसा होता है जो ऐसा लगता है कि जो है एक अम्ब्रेला जो छाता होता है, छाते की तरह जो है डिजाइन देखने में इसका लगता है, जिसकी वजह से इसको सफरेला या अम्ब्रेला प्लांट कहा जाता है और कुछ लोग इसको ऑक्टोपस प्लांट भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर में सफरेला प्लांट है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अम्ब्रेला प्लांट सफरेला प्लांट है इसकी जो देखभाल है वो कैसे किया जाएगा और किस तरह से आप एक अम्ब्रेला प्लांट एक सफरेला प्लांट को जो है हेल्दी से हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो प्लांट है ये सदाबहार प्लांटों में आता है। ये सदाबहार पौधा है। अगर आप इसकी थोड़ी सी अच्छे से देखभाल करें तो ये 12 के 12 महीने जो है आपको घर के अंदर घर के बाहर खूबसूरती बिखेरता रहता है। हालांकि जो विंटर सीज़न होता है, विंटर सीज़न में माना जाता है कि इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, एक तरह से स्टेबल हो जाती है, लेकिन ये फरवरी मार्च के बाद जो है इसकी ग्रोथ अच्छी खासी बढ़ जाती है और फिर जो है ये मानसून तक अच्छा खासा जो है ग्रोथ करता रहता है। लेकिन अगर आपने इस प्लांट को डायरेक्ट धूप में रख दिया है, यानी कि जो दोपहर की धूप होती है 12 से 1, 2, 3, 4 या 11 से 4 के बीच की जो धूप होती है, अगर रेगुलर कभी कभी देखिए अगर आपने इंडोर प्लांट बनाया हुआ और हफ्ते में एक बार आप इसे धूप में रखते हैं, चाहे जितनी तेज़ धूप हो ये बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अगर आप हमेशा के लिए आपने इसको ऐसी जगह पे छोड़ा है जहाँ पे डेली रूटीन में इसको जो है पूरा दिन सुबह 11 बजे से 4 बजे तक 5 बजे तक धूप में रहना पड़ता है, तो मैं बता दूँ दोस्तों ये प्लांट ग्रोथ तो नहीं करने वाला, बल्कि इसकी जो पत्तियाँ हैं वो धीरे धीरे येल्लो हो जाएंगी और वो सारी पत्तियाँ गिरने लग जाएंगी। तो इस प्लांट को धूप चाहिए होती है, लेकिन उसको जो धूप है वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट चाहिए होती है। मतलब आप कहीं ऐसी जगह रखें इसको जहाँ पे सुबह की धूप मिल जाए, शाम की धूप मिल जाए और दोपहर की जो धूप है वो डायरेक्ट ना मिले इसे, और अगर मिल भी रही है दोपहर की धूप तो डायरेक्ट ना मिले, छन के मिले, मतलब पेड़ों के नीचे, कोई बड़ा पेड़ है उसके नीचे रखा हुआ है तो अच्छा है। छाया वाला जो उजाला है वो भी इसके लिए बेहतर है। तो आप इसको अगर अच्छे से 12 महीने बना के रखना चाहते हैं, सदाबहार प्लांट बना के रखना चाहते हैं, तो बस आप इसको धूप में थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। अगर आपने इसको धूप में एडजस्ट कर लिया तो फिर इसकी केयर भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप दूसरे तीसरे दिन पानी डालिए और जो है ये प्लांट ग्रोथ करता रहेगा। पानी जब आप इसको दे रहे हैं तो एक बार मिट्टी पे ज़रूर नज़र डाल लें, मिट्टी पे नज़र डालें, वो सूखी हो, थोड़ी खुरदरी हो गई हो तब आप पानी दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर मिट्टी सूख रही है तो एक दिन ये सूखे में मिट्टी में भी रह लेगा, 2 दिन सूखी मिट्टी में भी रह लेगा, तो इसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो आप ये ध्यान ना दें कि कल जो है हल्का सूखा था और आज मुझे पानी नहीं दिया तो ख़राब हो जाएगा। 1-2 दिन वो बर्दाश्त कर सकता है, ड्राई सोइल में भी पड़ा रहेगा, उसके बाद आप पानी डालें। तो पानी देने की जल्दबाजी ना करें, आराम से पानी डालें जब आपको लगे कि सोइल जो है अच्छे से सूख गई है। इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, वो 6 फीट तक हो सकती है, बड़े गमले में या फिर डायरेक्ट क्यारी वगैरह में लगाए तो 6 फीट तक ये चला जाता है। और अगर इसके हम बुशी की बात करें, इसके घनत्व की बात करें तो घनत्व में भी ये 3 से 4 फुट चौड़ा जो है हो जाता है। मिट्टी का जो पीएच की बात करें तो वो अम्लीय और थोड़ा क्षारीय होना चाहिए। और जो इसका ब्लूमिंग टाइम है वो मैंने बताया दोस्तों, समर टाइम होता है, फरवरी मार्च के बाद जो है वो समर टाइम माना जाता है। विंटर में इसकी ग्रोथ जो है वो स्टेबल हो जाती है। इसके अंदर फ्लावर भी आते हैं, बहुत ही हेल्दी पौधा होगा जब आपका सफरेले का, तो उसमें फूल भी आ जाते हैं कई बार जो कि सफ़ेद, गुलाबी या फिर लाल होते हैं। और दोस्तों इसको आप फर्टिलाइज़र दें, फर्टिलाइज़र आप सर्दियों में इसको विंटर में ना दें, लेकिन फरवरी महीना आते ही आप इसको हर महीने थोड़ा सा काउडंग दे सकते हैं या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इस तरह से आप इसको जो है फर्टिलाइज़र देंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इसका जो कलर होता है ना दोस्तों, वो जितना ये बुशी होता जाएगा उतना ही खूबसूरत जो है लगता है ये देखने में।